हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज इस गर्मियों के सीजन में हम आपके लिए लेकर आए आम की एक रेसिपी जो कि है लस्सी। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने इन आमों को अच्छे से वॉश करके और इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, जिसका हम इस तरह से पल्प तैयार कर लेंगे। आप मिक्सर के जार में डालिए और अच्छे से बढ़िया सा पल्प इस तरह से तैयार कर लीजिए। इसमें हमने कोई शुगर ऐड नहीं की क्योंकि हम खुद ही अपने आप में बहुत ही मीठे होते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे का स्टेप। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे जिसमें कि यहाँ पे हमने एक कप दही लिया हुआ है और हमने पिसी हुई शुगर ली है, और ये हमारा मैंगो पल्प है। तो हम एक कप दही बाउल में डाल देंगे और ये जो पिसी हुई चीनी है हमारी, हम इसे 2 टीस्पून बाउल में डाल देंगे और इसे हम बीटर की मदद से फेंटेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप मिक्सर के जार में इसे बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि दही हमारा पतला हो जाता है दूध जैसा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यह हमारा इस दही को हम इस बीटर से ही फेंटेंगे, या फिर आप किसी भी चीज़ से फेंट सकते हैं। और फेंटने से ये गाढ़ा, इसकी थिकनेस बनी रहती है और शुगर भी इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो ये हमारा दही दही जो है लस्सी के लिए तैयार हो चुका है। तो लस्सी का बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी लस्सी को रेडी करते हैं ग्लास में। तो यहाँ जो हमने मैंगो पल्प हमने तैयार किया था, ये हम मैंगो पल्प एक ग्लास में डालेंगे 2 टीस्पून, और बाकी का हम इसमें जो हमारा दही का बेस हमने तैयार किया था वो हम ग्लास में डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सारे दही में मैंगो पल्प मिला के खट्टा बना सकते हैं, लेकिन हम आपको खाली एक ग्लास बनाना बता रहे हैं अभी। तो ये इस तरह से एक ग्लास के लिए सफिशियंट है 2 टीस्पून मैंगो। और ये हमारी मैंगो लस्सी बन के रेडी हो चुकी है बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे हमारा दही भी ठंडा था और मैंगो पल्प भी ठंडा था, और ठंडी ठंडी लस्सी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें बर्फ के क्यूब्स डाल सकते हैं, आइस क्यूब्स। तो अब हम एक आपको एक तरह की और लस्सी बनाना बताएंगे, लेयर वाली। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैंगो पल्प डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लस्सी बन रही है इसको देख के बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव अट्रैक्टिव हो जाते हैं और पीने के लिए उनका बहुत ज़्यादा ही मन करता है। तो बच्चों को आप उनके मनपसंद की चीज़ें बना के खिलाइए ताकि वो इजी तरीके से खाएं और इन्जॉय करें। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट फिर दही के लिए डाल देंगे और इसके ऊपर फिर से हम मैंगो पल्प डाल देंगे। इस तरह से ये हमारा मैंगो पल्प जो है थिक है, तो इसीलिए ये बहुत इजी तरीके से ऊपर जम रहा है। आप चाहें तो इसको ग्लास में थोड़ी देर सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और एक और मैंगो पल्प के बाद फिर से हम दही डाल देंगे, जो हमारा दही का बेस है वो डाल देंगे। तो आप देख ही सकते हैं लेयर के साथ ही हमारी लस्सी कितनी अच्छी दिख रही है। और इसी तरह से आप बच्चों को अपनी उनकी पसंद का खाना किसी भी तरीके की कुछ भी उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं उनके हिसाब से खिला सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें कटे हुए मैंगो बारीक बारीक डाल देंगे, जिससे हमारी लस्सी बहुत ज़्यादा ही देखने में अच्छी लग रही है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने दो तरह की लस्सी बनाई है, एक बड़ों के लिए और एक बच्चों के लिए। बड़े बच्चे दोनों अच्छे से इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इजी तरीके से बताई हुई लस्सी की रेसिपी पसंद आती है तो